नई गाड़ियाँ जो आप जानते हैं अभी हर कंपनी लॉन्च कर रही है, वो कोई भी ब्रांड हो, नोकिया, वो अपने गाड़ियों में जो है वो कार्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यह सबकी गाड़ियों में कार्ड लगा हुआ होता है व्हीकल्स में। तो जहाँ पे अब इशू ये आ रहा था कि हम लोगों को फैसिलिटेट तो कर रहे थे टेक्निकली तौर पे, टेक्निकल ये था हमारा कि मैकेनिक्स को देख रहे थे, डेंट्स को देख रहे थे, पेंटलेस डेंट्स को देख रहे थे, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन जो कार्ड वाली जो व्हीकल्स थी जिनमें कार्ड इंस्टॉल्ड हुआ हुआ था, उनके लिए यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो सिटी जा रही होती थी, लाइक तारिक रोड, क्लेफ्टन, गुलशन इकबाल, इन एरियाज़ पे जा रही होती थी क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद थे। उससे हमारे यहाँ के क्लाइंट्स का इशू ये हो रहा था कि एक तो वो पेट्रोलिंग का उनका इशू आ रहा था, दूसरा उनका टाइम का इशू आ रहा था, दूसरा ये कि उनकी कॉस्टिंग भी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की, मार्केट सर्वे किया हमने बाकायदा कि यहाँ पे इनके ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद हमने वेब पर सर्च किया कि वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर व्हीकल में जो कार्स इंस्टॉल हैं कंप्यूटर व्हीकल्स में, उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो तैयब भाई ने ये चीज़ में सर डिस्कस की, मैंने गूगल पर सर्च किया कि लोकेलिटी तौर पर कराची बेस्ड वो कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर डिवाइस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, स्कैनिंग डिवाइस कहलाती है ये। तो हमने सर्च की तो हमें लॉन्च की एक वेबसाइट सर्च में मिली गूगल पे, और वो उसको हमने स्टडी किया, उसके प्रिंटआउट्स निकाले हमने कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस लॉन्च करते हैं, दे रहे हैं वो कराची में, और वो इंटरनेशनली हमने फिर जब उनका देखा, हमने उनका पढ़ा, तो वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड भी थे, रिकग्नाइज्ड भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे यहाँ कराची में, और उनकी साइट का नाम भी लॉन्च पीके के नाम से ही है। तो हमने उनको देखा, उनकी स्टडी की, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनका ऑफिस पैडल बे एरिया में लाइक इसी जगह मौजूद था, जो एड्रेस वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो है मसूद भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया, उन्होंने हमें गाइड किया। फिर उसके बाद हमने उनसे मिले वहाँ पे गए और उनके ऑफिस में गए, वहाँ पे झांसे भाई भी हमें मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया हमें, और हमें डिवाइस की डिटेल्स बताई कि हम कौन कौन सी डिवाइसेस व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो वेरी ऑनेस्ट, हमने बिल्कुल बेसिकली अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बेस्ड पे हमने इनकी ये एक प्रोडक्ट 431 प्रो GT ये हमने इनसे परचेज़ की, और ये इसमें सबसे अहम बात क्या है, आपको मैंने जैसे पहले अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं ख़ुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं इससे रिलेट करता हूँ। तो इसमें तमाम गाड़ियों की तकरीबन 2000 मॉडल से अप मॉडल जितने स्टार्ट फ्रॉम द 2000 इससे स्टार्ट सपोर्ट इसकी मौजूद है। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, वो इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये कि इनकी 3 years की अपग्रेड्स जो भी हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वो ऑटोमेटिक इसमें होंगी। अच्छा, लॉन्च का हमारे पास जिस हमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेने का फ़ायदा ये हुआ कि ये तो एक तो ऑथराइज थे, ठीक है, तो कंफर्मेशन हो जाती है। दूसरा, उसी टाइम इन्होंने एक बॉक्स लाए, उस बॉक्स को हमारे सामने अनबॉक्स किया, डिवाइस निकाली, और हमारे सामने ही इन्होंने हमारा डेटा लिया और उसको रजिस्टर्ड किया ऑनलाइन। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद इसकी अपडेशन शुरू हो गई। यहाँ पे हमारे पास हर किस्म की गाड़ी आ रही है, और उसमें हमने टेस्टिंग बेसिस पे तकरीबन लाइक 15 to 20 days हमने फ्री ट्रायल पे तमाम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटी दी, और हमने लॉन्च की प्रोडक्ट उसमें यूज़ की उनके कार्ड में। ये हमें फैसिलिटेट क्या किया इसमें, हमें सबसे पहले हम क्लाइंट को जब ये डिवाइस हम इसमें प्लग इन करते हैं व्हीकल में, तो ये सबसे पहले प्री रिपोर्ट देता है हमें, प्री इशू या कि इशूज सॉल्व करने पहले कि हमें एक प्री सॉल्व इशू की एक रिपोर्ट देता है। उसमें पूरी लिस्ट इसकी मौजूद होती है कि कौन कौन से इशू आ रहे हैं, इंजन चेक का इशू आ रहा है, ABS का इशू आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट होती है जो जो इशू व्हीकल्स में मौजूद होते हैं। ये हम क्लाइंट को बाकायदा प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये हमारे जो हमने डिवाइस ली है, ये आपके प्रिंट आउट के साथ आपकी ये गाड़ी में इश्यूज़ हैं। फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द इसकी गाइडलाइन इस डिवाइस की, और खुद हमारे अपने भी एक्सपीरियंस हैं जो कि डिवाइस से सॉल्व हो सकता है, वो डिवाइस से सॉल्व करते हैं। फिर डिवाइस हमें गाइड भी करती है, हम उन URLs पर जाते हैं और हम मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली जो भी व्हीकल में काम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। जब हमारा ये काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम दोबारा
इस डिवाइस, ये डिवाइस ऑलरेडी प्लग इन होती है, फिर दोबारा हम रिपोर्ट निकालते हैं, तो ये उसकी रिपोर्ट फिर हमें सारी क्लियर जब आ जाती है हमारे उस व्हीकल की, तो फिर हम वो दोबारा प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट को देते हैं। तो ये जो व्हीकल है जो आप देख रहे हैं 431 Pro GT, ये बेसिकली तमाम, मैं सबको रिकमेंड करूँगा तैयब ऑटो जोन की तरफ से कि वो इस डिवाइस को परचेज करें, लेकिन ऑथराइज और रिकग्नाइज डीलर से लें, ठीक है, आपकी गाड़ी का काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, टेक्निकल तौर पे आपको इसकी बहुत सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच।